अच्छा अच्छा मूवी है। तो उन्होंने एक मैसेज वैसे दिया है कि मतलब कि ऐसा कोई ना वीडियो बनाए कि बाद में अपने को परेशानी मिले, कहीं से भी कोई भी काम वाले या कुछ भी हो, इसने एक मैसेज दिया है। अच्छा, स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी स्टोरी भी एक नंबर की स्टोरी। स्टोरी ऐसे ही है कि मतलब एक मैसेज द्वारा दिया गया है कि जेंट्स या लेडीज कोई भी ऐसा कोई वीडियो ना बनाए कि बाद में अपने ऊपर खुद परेशानी झेलनी पड़े, यही स्टोरी है। और मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी, राजकुमार रावत तृप्ति डिमरी की एक्टिंग दोनों एक 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 नंबर एक नंबर की मूवी है और एक नंबर दोनों ये इसमें रोल भी किया है, जिसे करना चाहिए वैसे किए भी हैं एक नंबर। कॉमेडी कैसी थी? कॉमेडी फुल कॉमेडी है। कितने स्टार्स दे रहे हैं? 4.5 स्टार। हाँ, एंडिंग नाइस है। एंडिंग नाइस है। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि एंड में क्या है, बट इट्स नाइस मूवी। और मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी, स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी का एंडिंग बहुत अच्छा है, इसका मैसेज जो सोसाइटी के लिए काफी अच्छा है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, विक्की और सॉरी राजकुमार राव और इनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? सभी का एक्टिंग रेट है अच्छे, एक्टिंग अच्छी है, दोनों की भी एक्टिंग अच्छी है, सभी की एक्टिंग अच्छी है, सभी की एक्टिंग अच्छी है। ठीक है, और सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स भी अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा, और कितने स्टार्स देना चाहोगे? 5 स्टार। अभी क्या विद्या का वो वाला वीडियो देख के आपको कैसी लगी वो फिल्म? अभी वो वाला वीडियो देख के मेरे को थोड़ा एंटरटेनमेंट लगा, क्योंकि बहुत टाइम से फिल्में आई नहीं रहती, आफ्टर अगस्त के बाद से तो कुछ फिल्में ही नहीं आ रही थी। तो और राजकुमार राव, मतलब लास्ट मैंने पिक्चर राजकुमार राव की देखी थी और अभी राजकुमार राव की देखने आया। और ये भी एकदम मतलब बोले तो अभी राज सर की पिक्चर मतलब ड्रीम गर्ल ड्रीम टू कैसी बनाई थी उन्होंने, जॉयफुल जैसी, इन्जॉयमेंट जैसी, और नए नए कास्टिंग भी करते, यहाँ पे भी उन्होंने वैसे ही किया, पर जॉयफुल थोड़ा ड्रीम गर्ल ड्रीम वन ड्रीम गर्ल्स टू से थोड़ा कम है, बिकॉज कॉमेडी है अच्छा खासा है, पर पब्लिक को फटक से हंसी नहीं छूट रही, क्योंकि जो ट्रेलर में जो लोग ने बता दिया था वो ये लोग ने रिपीट यहाँ पे किया, हल्का बुल्का लोग ने थोड़ा कॉमेडी किया, पर स्क्रिप्टिंग राइटिंग बहुत अच्छी लिखी है। मतलब एक सीडी पे एक पिक्चर बनाना, 2.5 घंटे ऑडियंस को बैठाना बहुत बड़ी बात है राज सर को, और इसमें सोशल मैसेज और राज सर का तो एक एक ही है, पार्ट वन में भी वो मैसेज दे रहे थे, पार्ट टू में भी एक मैसेज दिया, और यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे एक मैसेज दिया ही है। क्लाइमेक्स जब आता है तभी और एंटरटेनमेंट होता है जब स्त्री का कैमियो आता है, तो बहुत ही अच्छा लगा उस स्त्री का कैमरे। एक्चुअल में उन लोगों को स्त्री का कैमरे वो स्त्री जैसा बनाना चाहते, एक्चुअली उन्होंने वैसा नहीं बना, क्योंकि जहाँ तक उनका नाम विकी है पिक्चर में, तो उन्होंने को आंखों आंखों में देख के ऐसा मुंडी घुमाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो थोड़ा वहाँ पे निराश हो गया कि अगर तुम कैमरे ला रहे हो स्त्री का तो वैसा बनाओ कि पब्लिक को वो स्त्री याद आए और आपको पिक्चर को थोड़ा ये मिले, ऑडियंस आ जाए। और आपको गाने कैसे लगे? गाने ठीक ठाक लगे, मतलब एक वो पंजाबी वाला गाना मेरे को सिर्फ अच्छा लगा, और एक वो इमोशनल गाना है कुछ तो मेहरबान या कुछ तो नाम है उसका, वो अच्छा लगा, बाकी इतना खास नहीं लगा मेरे को गाने। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी? अभी राजकुमार सर कोई भी हीरोइन के साथ आते हैं तो एकदम छा ही जाते हैं, क्योंकि वही अकेले चाहते हैं, हीरोइन तो अपना काम करके निकल जाते हैं, यहाँ पे तृप्ति ने वही किया है जो बैड न्यूज़ में किया, वही काम उन्होंने यहाँ पे दिया, वही सेम काम उनका बुलबुलिया 3 में दिखने मिलने वाले, तो कुछ नया करती नहीं है, वही ग्लैमर दिखा गया वो दिखा गया, तो इतना मेरे को इतना पसंद नहीं है वैसे भी एक्ट्रेस, फिर भी आपने पूछ लिया तो बोल दिया, ठीक है, ठीक किया एक्टिंग, वो एनिमल वाला एक्टिंग किया और कुछ नहीं किया उसने। 3.5 दूंगा या। और एक और चीज़ कहना चाहने वाला, तो मैं ऑडियंस को ये बोलूँगा कि आओ देखने, अगर ये फ्लॉप हुई तो सेकेंड पार्ट नहीं मिलेगा देखने को, अभी भी सीढ़ी मिली नहीं है, ये मैं बोलूँगा। कौन सी फिल्म देख रहे हैं जी? मैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो देख के आ रहा हूँ। कैसी लगी फिल्म? फिल्म मज़ेदार है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी मैसेजिंग है फिल्म में, जो कि हर फैमिली ऑडियंस को देखनी चाहिए, काफ़ी इंटरटेनिंग तरीके से बनाई गई फिल्म है। सर, फिल्म की अगर बात करें तो पहली बार तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव जी, बहुत एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस पेयर को देखने के लिए, और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और मल्लिका शेरावत जी और विजय राज जी की केमिस्ट्री भी माइंड ब्लोइंग है। सर, अगर फिल्म की बात करूँ तो फिर से इस बार बॉलीवुड ने भोजपुरी से सिंगर को यूज किया, तो वो कैसा था, गाने कैसे लगे? गाने तो बहुत अच्छे हैं, चार्ट बस्टर सॉन्ग्स हैं, और भोजपुरी में बहुत सारे स्टार्स हैं, पवन सिंह जी के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि धीरे धीरे करके आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और जो आने की ज़रूरत भी है, और उनका जो कोलैबोरेशन है बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और रॉकिंग है। नहीं नहीं बोरिंग नहीं था, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, राज शांडिल्य जी जो डायरेक्टर हैं वो काफ़ी इंटरटेनिंग और पंच वाले डायलॉग्स रखते हैं, तो बोरिंग तो कहीं से नहीं था। और सबसे अच्छी बात है कि मैसेजिंग है फिल्म के एंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फैमिली ऑडियंस को देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि नवरात्र का सीन है, इतना अच्छा प्यारा मौसम है, जाइए देखिए अपने परिवार के साथ जिए। 3.5 स्टार। थैंक यू सो मच।